और जोर से, हाँ लगा पूरी ताकत जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जलाओ उसको अंदर से, आंख लगाओ उसके। अल्लाहुम्म फ़ातिस समावाति वल अर्ध अलिमुल ग़ैबि शहादत अंतर रहमानुर रहीम। اللهم إني أعوذ إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلا نفسي فإنك تكلني إلا نفسي تقربني إلى الشر ومن مخالفك وإني لا تدل الله برحمتك فاجعلني عندك أحدا تقضي عندك أحدا تقضي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين. فاتكم وتقول الرحمن الرحيم اللهم إني أحد إليك في هذه الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم وهدف لا شريك لك وشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلا نفسي فإنك تكلني إلا نفسي تقربني إلى الشرك من خير وإني لا تكل الله برحمتك فاجعلني عندك أحدا توفي عندك أحدا توفي إلا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. जकड़ो उसको अंदर से और आग लगा के मारो उसके अंदर से और तेजी से। हाँ कहाँ से? शमशान से, कब्रस्तान से, कहाँ से लाके छोड़े उसके आंग में? हाँ जल्दी बयान कर, पूरा जला दूंगा। और जोर से, और जोर से, हाँ लगा पूरी ताकत और जोर से। कहाँ से पकड़े थे तुझे? हाँ कहाँ से लाके डाले उसके आंग में? जलाओ 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 उसके अंदर और तेज से आग लगाओ। हाँ कहाँ से पकड़े? शमशान से, कब्रस्तान से। हाँ जोर से बोल, कहाँ से? कहाँ से? समझ में नहीं आ रहा। हाँ कौन लाया था वो? औरत थी, आदमी था वो? कौन लाया था? औरत थी, आदमी था? मालूम नहीं। क्या बोले थे? इसको मार दो बोले थे तड़पा तड़पा के। हाँ जल्दी मेरे सवाल के जवाब देने तो पूरा जला दूंगा। हाँ उसके बच्चे को मारो बोले, उसके संसार भी मत हम दो बोले थे, संसार भी तोड़ा दो बोले थे। हाँ हाँ तूने भगा के लग गई उसके मरद को? क्या तूने भगा दिया? कौन है तू? औरत आदमी है? हाँ कौन है? औरत आदमी है? हाँ जोर से बोल। छोड़ दो ना, देखो ठहरा और आग लगाता हूँ तेजी के साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल जल्दी बयान कर, चल जल्दी बयान कर। कहाँ से लाए थे? इंसान की नस्ल से, जिन्नात की नस्ल से, खबीस है, क्या है? मुझे आके सब सेकंड राउंड में सब बयान करना अगली चक्कर में। चलो जब तक इसको मार मार के कमजोर कराओ ना लायक के सारे शक्तियों को। क्या नाम है? शिरीन बेगम। अरे क्या हो गया? पानी दो उनको पीने, पानी दो, पानी किधर है उनका? पियो, बड़ा तरना पिला तरना पानी ज्यादा ज्यादा। और ये जो है तो ये मुंह पे मारते जाना सुबह शाम दो तीन टाइम ज्यादा से ज्यादा, और हर नमाज के बाद में चार बार, ये सात बार अतल कुर्सी, सात सात बार चारों कुल पढ़ के इस पे दम करके उनके चेहरे पे मारते रहना, समझ गए? ये जो दास्तान है ये कहीं का लगा हुआ खुद ब खुद आए वाला नहीं है, इनको खिला के छोड़े वाला है। पहले इससे पहले के चक्कर में मैंने लास्ट के तीसरे राउंड में क्या कुछ तो भी उनको खुद ब खुद वोमिटिंग लगा के दवा निकली दोबारा ऑटोमेटिक खुद ब खुद जैसे जैसे इस तरीके का बनवा। तो अब इसके बाद में जो बटके आला उसको पकड़ लिए, अब उन्हें सवाल करेंगे आगे के चक्कर में सब याद करके आके, कौन डाले, कहाँ से आया, क्यों डाले थे, कब मारने वाले, सारी दास्तान बयान करेंगे। और अगर नहीं करेंगे बयान तो उसको चीरने लगा दूंगा दो टुकड़ों में,
चीर के उसको भस्म कर दिया नाला। उसके बाप का राज चल रहा था लोगों को परेशान करने, और दूसरी बात ये गलत बात है ऐसी एक दूसरे पे जादू टोने करना। लोगों तुम्हारे को बार बार मैं एक ही मैसेज देता हूँ और वो ये है कि इबादत की राह को मजबूती से थाम लिया करो, अल्लाह और उसके रसूल के लव में फिदा हो जाओ, मिट जाओ, अपने आप को मिटा दो। अल्लाह और उसके रसूल के लव में तुम अपने आप को अगर मिटा देंगे तो तुम्हारे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी अदृश्य बदबख्त ताकतें, ये तुम्हारे कोई भी नहुसती, कोई भी तुम्हारे परेशान नहीं कर सकता, तुम्हारे बाल को तक जहमत नहीं पहुंचा सकता। तो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे खानदान को पहुंचाने की बहुत दूर की बात है, क्योंकि अल्लाह फरमाता कि जब अल्लाह हिफाजत की ठान लेता तो मकड़ी की चादर तान देता, मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राह दे देता, वरना जान तो एक मामूली मच्छर भी ले लेता। समझ गए ना, ये सारे पैगंबरों पे से वाकई बता दिया तुम्हारे को मैंने इस शेर के अंदर। इसका मतलब ये है कि मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राह दे देता। मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील जो समंदर है उसने राह दे दिया था जाने के लिए, रास्ता अल्लाह के हुक्म से रास्ता बनाकर। बोलने लगी मूसा के अलैहिस्सलाम की कौम कि अल्लाह के पैगंबर हमको चल रहे हैं हम ये रास्ते से तो हमको गर्मी महसूस हो रही, तो उस पानी के दो तरफ दो दीवारें बने थे तो उसमें खिड़कियां भी बना दिया था अल्लाह ने हवा आने के लिए। और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे ना मखूल बदबख्त लोगों, क्या बोलूं मैं तुम्हारे बोलने के अल्फाज नहीं मेरे को। जादू टोना किधर भटक गए तुम, हाँ अल्लाह वालों के राह पे नहीं जा रहे, बुजुर्गान दीन के पास नहीं जा रहे, वली अल्लाहों के पास नहीं जा रहे। वली अल्लाहों के पास जाना तुम्हारा शिर्क दिख रहा, अल्लाह वालों के पास जाना शिर्क दिख रहा, और जादूगर के पास जाना तुम्हारा जायज दिख रहा। कैसा जायज है, जादूगर के पास जो जाता वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए। फिर तुम्हारी शफात कैसी होंगी हशर में, तुम किसके पास शफात को जाएंगे? सरकार ने फरमाया मैं जादूगर की भी शफात नहीं करूंगा और जादूगर के पास जो जाएगा उसकी भी शफात नहीं करूंगा। तुमको जाना चाहे तो अल्लाह वालों के दर पर जाओ, बुजुर्गान दीनों के दर पर जाओ। अल्लाह वालों का दर और बुजुर्गान दीनों का दर ये ऐसी दास्तान है कि तुम अगर वहां गए तो तुम्हारे सारे वबाएं बलाएं जादू के वारा जो भी होंगे सब हट जाते, दुनिया ही आफतें तक हट जाती, वहां रहमत बरस अल्लाह की, तुम पे भी रहमत के छींटे गिरेंगे ना। अल्लाह ने पहले ही फरमा दी ना हदीस कुद्दूसी के अंदर, पढ़ो पता चलेगा तुमको, हदीस का मामूल बनाओ घर में पढ़ने का तो पता चलेगा ना। किताबें तुमको दुनिया की पढ़ाई होना, तुम्हारा मोबाइल होना, उसमें इंटरनेट होना, उसमें 4G होना, 5G होना, क्या कुटाने, ये सब है ठीक है, मगर इसके साथ साथ दीन की तालीम भी तो हासिल करो। दीन की तालीम इसलिए तुम्हारा दिया लिए कि इंसान एक पत्थर है, उस पत्थर को तराश के मूरत बनाने के बाद कैसी मूरत दिखती, और कैसा मूरत को देखने के बाद कोई भी बोलता कि इसमें जान डाल दिया पत्थर में, एक मामूली पत्थर था उसको संग तराश ने तराश के मूरत बना दिया, और ऐसी मूरत बना दिया कि हर कोई राह से गुजरने वाला उसको देख के जा रहा। तो वैसा तुम्हारा हदीस और कुरान तुम एक मामूली से वो पत्थर की तरह पड़े आले, तुम्हारा तराश के उस खूबसूरत मूरत की तरह कौन बनाता, हदीस और कुरान, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात। इस पे तुम अमल करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। तुम ऐसे मनमाना करेंगे, एक दूसरे पे जादू टोने करेंगे तो कहां आ जाएंगे, हौज कौसर की जाम से तुम्हारा महरूम कर दिया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से तुम्हारा महरूम कर दिया जाएगा, हश्र के मैदान में तुम्हारी शफात से तुमको महरूम कर दिया जाएगा। फिर तुम जाएंगे सीधा उल्टे बर मुंह के बल खसीड़ते हो तुम्हारे जाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए इबादत भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मोबाइल खरीदने जाते या कोई घर का सामान खरीदने जाते तो उसको ठोक बजा के देखते कब तक चलेगा भाई, कितने साल की गारंटी है। आए इंसान क्या तुझे मालूम, क्या तुझे पता है कि तू मोबाइल ले रहा 10 साल चले जैसा, 50 साल चले जैसा, जो सामान ले रहा तो सामान तो रह जाएगा 50 साल, मगर तेरा भरोसा है क्या? 2 सेकंड का भरोसा नहीं, मोबाइल लेके दुकान से बाहर तक नहीं निकल सकता तू। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तेरे मौत पे भी कादिर है, हर चीज पे कादिर। बाहर निकलने से पहले रूह खींच दी गई तो क्या करेगा? इसलिए हर वक्त 24 घंटे जिक्र रखो जबान के ऊपर, क्योंकि तुम्हारी जबान से जिक्र चलता हुआ तुम दुनिया से रुखसत हो गए तो तुम्हारी हाय दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई, और तुम्हारे जबान से नाच गाने वो बदकारियां ऐसे होते हुए उस हाल में तुम दुनिया से जाएंगे तो यकीनन उस टाइम पे भी उसी हाल में बुना जाएगा, तुम्हारा उठाया जाएगा। और जब तुम उस हाल में उठेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसा बचेंगे, क्या शफा दूंगी? ला महदूद जिंदगी के अंदर बहुत सारे बातें हैं, ये सब इसलिए बताता मैं कि तुम्हारा दीन, तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाना, और मजबूत होगा तो फिर तुम सही तरीके से इबादत की राह पे लग जाना, और तुम इबादत करेंगे तो तुम्हारे अंदर एक अल्लाह की तरफ से एक अट्रैक्शन, तुम अल्लाह की सकलीफ को मजबूती से थामेंगे तो अट्रैक्शन है ना, पावर हाउस से करंट है ना तुम्हारे पास में। जब तुम्हारे पास करंट है तो फिर तुम आपको कोई चोर हाथ नहीं लगा सकेंगे ना, कोई शैतान, कोई बला, कोई जादू टोना लगा तो करंट लगेगा ना, फिर तो
तो ये सब बातें हैं। खुद को ताहरत से रहा करो, वजू से रहा करो, हर वक्त कभी मौत आ जाए पता नहीं, जब मौत का पैगाम लेके फरिश्ता आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, रुक मैं वजू करके आ रहा, रुक मैं ताहरत लेके आ रहा, बोल सकते नहीं। तो इसलिए हर वक्त 24 घंटे पाबंदी करो, तखवे पे रहा करो। तखवा तो है जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत सवार देता। वली अल्लाह और बुजुर्गान दीन ने ऐसी इबादत करे उनकी इबादतों की मिसालें नहीं मिलती, और तुम उनको शिर्क उनको बुरा बोलते तुम्हारी सारी तकदीरें जल जाएंगी, राख हो जाती जल के उनको बुरा बोले तो। क्योंकि अल्लाह फरमाता जिसने मेरे वलियों को अगर बुरा बोल दिया तो उससे मैं खुले जंग का ऐलान करता हूँ, खत्म हो गए तुम्हारी, फिर गर्क हो गए तुम, फिरौन शद्दाद हामान नमरूद उनमें जाके शामिल हो गए। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सिर्फ मैं इसलिए बोलता कि तुम अगर महफूज रहेंगे तो तुम्हारा पूरा परिवार महफूज और खुशहाल रहेगा, और तुम सब खुशहाल रहेंगे इबादत की राह पे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, भटक जाएंगे तो सब परेशान रहेंगे, सारी इंसानियत खसारे में आ जाती। तो इसलिए तुम्हारी जितनी फैमिली है पूरी खसारे में आ जाती। तो इसलिए बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है कि पहले से ही इबादत वाले बनो। इबादत करने से कोई नुकसान नहीं होता, दुनिया और आखिरत तुम्हारी दोनों संवर जाती। एक 5 मिनट अल्लाह के वास्ते तुमको सजदे करना नहीं हो रहा, एक शाम के वक्त 5 मिनट तुम्हारा कुरान के एक रुकू पढ़ना नहीं हो रहा, एक सूरा पढ़ना नहीं हो रहा सोने से पहले। ए गाफिल बंदे, 3-3 घंटे 4-4 घंटे सीरीज देख रहे, पिक्चर देख रहे, एक पिक्चर खत्म तो दूसरी पिक्चर देख रहे, लगते जाके देख रहे, मगर इबादत क्यों नहीं हो रही? इबादत भी होना जरूरी ना, किसका क्या जाएगा, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी। चलो कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, रोक दो।